है आप सामने एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए जान लेते हैं आज की रेसिपी क्या है। आज हम इलाहाबादी चाय का में आपके लिए लेकर आए हैं स्वीट कॉर्न चीज़ी कटलेट, जो बहुत ही आसान है बनाना। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है गाइस, आप हमारे बताए हुए तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा। घर में गेस्ट आए हो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे मेरी ये रेसिपी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्वीट कॉर्न लिया हुआ है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। चीज़ मोज़रेला चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है पहले से ही। एक बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स को ले रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है गाइस, 3-4 स्लाइस ब्रेड के आप मिक्सी जार में एक राउंड लगा दीजिए, इजीली बनकर तैयार हो जाएंगे हमारे ब्रेड क्रम्स। और बॉयल्ड आलू, मैं यहाँ पे 5 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही मीडियम साइज़ की आलू है गाइस, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस स्वीट कॉर्न को एक बार मिक्सी जार में डालकर बस एक राउंड हमें इसे चलाना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा हो जाए, बस एक राउंड। चलिए पहले हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं स्वीट कॉर्न। आप देख सकते हैं गाइस, हमने बस एक ही राउंड इसको मिक्सी जार में चलाया है। अब चलिए हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए गाइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कद्दूकस करूँगी। सभी आलू को इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, लच्छेदार आलू हमारी। चलिए सभी आलू को इसी तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और ये स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे गाइस। चाट मसाला हम लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच थोड़ा सा ऐड करना है गाइस। ये देखिए, आधी चम्मच गरम मसाला। अब सभी सामग्री को हमें हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर स्पून से भी कर सकते हैं। सभी को चलिए हाथों की सहायता से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं गाइस, सभी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च डाला हुआ है, इसलिए मैं रेड चिल्ली पाउडर को स्किप कर रही हूँ। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार भी छोटे बड़े साइज में बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे। अब हम इसमें चीज़ की स्टफिंग करेंगे। आप चाहें तो चीज़ इसी में मिक्स कर सकते हैं। ऐसे हाथों की सहायता से दबा देंगे और इसे ऐसे पोटली के जैसे बंद कर देना है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको बहुत ही आराम से करना है। तरीके से बॉल को जैसे हमें इसे सेव दे देना है और थोड़ा सा बीच में दबा देना है। आप देख सकते हैं गाइस, इसे हल्का से ऐसे बॉल साइज करके ऐसे हल्का से दबा दीजिएगा। ये देखिए, बनकर रेडी है हमारी कटलेट। इसी तरह से चलिए हम सभी कटलेट को तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे साइज में। हाथों में आप ऑयल भी लगा सकते हैं। चीज़ लेंगे, चीज़ की स्टफिंग करेंगे बीच में और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से चारों तरफ से दबा देना है और फिर इसे इस तरह से बॉल के जैसे करना है। और ये देखिए, चलिए इसी तरह से हम सभी कटलेट को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमने सभी कटलेट को रेडी कर लिया है। देखिए, आपको भी इसी तरीके से सभी कटलेट को रेडी कर लेना है। आप चाहे तो कटलेट को स्टोर भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। चलिए अब हम इसे ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर मैंने आप मैदे का घोल बना लिया है। ये देखिए, दो चम्मच मैदे को
थोड़े से पानी में अच्छी तरीके से घोल लेना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे इस तरह से। चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। हम यहाँ पर एक एक यहाँ पे देखिए कटलेट को लेंगे, इसमें मैदे के घोल में डिप करेंगे और थोड़े थोड़े से ऐसे घुमा देंगे, पलट दीजिए या ऊपर से आप ऐसे कोट कर दीजिए। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में, ये देखिए आप देख सकते हैं, हाथों की सहायता से भी आप कर सकते हैं। हमारी कटलेट रेडी हैं। इसी प्रकार हम चलिए सभी कटलेट को रेडी कर लेते हैं। मैं एक और आपको बता देती हूँ करके। अच्छे तरीके से कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्स में, ऐड करके कोट कर लेंगे। लीजिए रेडी है हमारे कटलेट। चलिए इसी तरह से हम सभी कटलेट को रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, सभी कटलेट को हमने रेडी कर लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से रेडी कर लीजिए कटलेट को और एक एयर टाइट डिब्बे में आप इसे स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं 6 से 7 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे, रिफाइंड ऑयल, जहाँ पर हम ऑयल को रख देते हैं गर्म होने के लिए। आप देख सकते हैं गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है ऑयल, मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको ऑयल को गर्म करना है। आप ज़्यादा हॉट ऑयल में डाल देंगे तो ये कटलेट है वो जल जाएंगे, वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए मीडियम ही होना चाहिए। आप इस तरीके से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, मीडियम ऑयल गर्म हो गया है। चलिए हम इसमें एक एक कटलेट डालेंगे। इस तरह से 2-3 कटलेट से ज़्यादा आप एक बार में बिल्कुल भी मत फ्राई कीजिएगा। लाइट ब्राउन होने तक हमें कटलेट को पकाना है। 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम छोड़ देंगे गाइस। जब ये नीचे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे क्रिस्पी, तो इसे हम ऊपर आ जाएंगे, तब हम इसे टर्न कर देंगे। देख सकते हैं गाइस, 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो गया है। देखिए ऊपर से भी हो गया है और इसे ऐसे से आप करिएगा तो ये ऊपर से भी हो जाएगा। चलिए इसे हम टर्न कर देते हैं, दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन होने तक हमें पकाना है। स्लो फ्लेम पर आप पकाएंगे गाइस, से फ्राई करेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिएगा। 2 से 3 पीस से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत टूटने का बहुत जल्दी डर रहता है। 2 से 3 मिनट इसे हम छोड़ देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना ये लग जाएंगे। ये देखिए लाइट कलर आ गया है। चलिए फिर से हम इसे टर्न करके पका लेते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है गाइस, आप हमारे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपके घर में गेस्ट आ जाए, मेहमान, बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हैं। बहुत इजी है बनाना और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है, सो आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। 1 मिनट के इसे हम और पकने देंगे। देख सकते हैं गाइस, हमारी कटलेट अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, हमने इसे पलट पलट कर फ्राई किया है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी कटलेट को फ्राई कर लेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। चलिए अब हम बाकी बचे हुए कटलेट को भी फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, 2 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसे हम टर्न कर देंगे, हमारे चीज़ जो है अच्छी तरीके से कटलेट में मेल्ट हो जाएंगे, जिससे खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए 2 से 3 मिनट इसे हम पलट पलट कर और फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक और लाइट ब्राउन होने तक। देख सकते हैं गाइस, 2 मिनट हो गए हैं, हमने टर्न करके भी दूसरे साइड से अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक पकाया है। 1 से 2 मिनट इसे हम और क्रिस्पी होने देंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही स्लो इसे टर्न करना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये। चलिए 1 मिनट हम इसे
और लाइट ब्राउन होने देते हैं क्रिस्पी। आप देख सकते हैं गाइस, 2 मिनट हो गए हैं और हमारे कटलेट अच्छी तरीके से क्रिस्पी और लाइट ब्राउन हो गए हैं। इस पर बहुत बढ़िया कलर आया है। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से चलिए हम अपने बाकी बचे हुए सभी कटलेट को रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, सभी कटलेट हमारे रेडी हो गए हैं। इसको हमने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया हुआ है। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ तोड़ के। ये देखिए कितना चीज़ी बना है ना, और ये बहुत ही क्रिस्पी है गाइस। आप हमारे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, खाने में बिल्कुल भी यम्मी है ये। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो गाइस तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।